नमस्कार किसान साथियों, एम टेक ब्लॉक में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। ये है आयसर का ट्रैक्टर जो कि पुराने ही मॉडल के साथ कंपनी ने 2024 में से लॉन्च किया है। इसमें थोड़े कुछ चेंजेस हैं, आप इसका ओवरऑल लुक देख लीजिए जो कि इसके वही आगे लुक है, वही पुराना। और ये सादा स्टीयरिंग में ट्रैक्टर है। इसका एक्सल देख सकते हैं जो कि नॉन एडजस्टेबल एक्सल है, चौकोर, लेकिन काफ़ी अच्छा कंपनी ने बनाया हुआ है। ये छोटे किसानों के लिए काफ़ी बेहतरीन ट्रैक्टर है जो जो कि बहुत कम खर्च वाला ट्रैक्टर है, जो इसे भाड़ा वाड़ा में किसान भाई चलाना चाहते हैं काफ़ी अच्छा चला सकते हैं। और इसमें सिंगल पंप दिया हुआ है हाइड्रोलिक का, क्योंकि इसमें पावर स्टीयरिंग नहीं है, इसीलिए कंपनी ने जो है सिंगल पंप यहाँ पर दिया हुआ है ट्रैक्टर में। और वहीं इसमें 12 वोल्ट का बड़ा सेल्फ स्टार्टर दिया हुआ है। और इसमें जो है कि सैमसंग कंपनी का इंजन लगाया हुआ है कंपनी ने, देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया है कंपनी ने स्टिकर के माध्यम से, जो कि सैमसंग कंपनी का इसमें इंजन है जो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। और वहीं साइड में देख सकते हैं यहाँ पे इसका बैटरी बॉक्स है जो कि ऐसा लिखा हुआ। और बात कर ले अगले टायर की, तो इसमें देख सकते हैं 6016 का अगला टायर है। और वहीं बात कर लेते हैं पिछले टायर साइज़ की, तो 13/6/28 का पिछला टायर साइज़ दिया हुआ है कंपनी ने, जो ट्रैक्टर के हिसाब से काफ़ी अच्छा टायर है। और वहीं तेल में डूबे हुए ब्रेक दिए हुए हैं कंपनी ने। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सुपर प्लस के सीरीज से ट्रैक्टर था। वहीं टूल बॉक्स दिया हुआ है, उस साइड में इसका इंडिकेटर है यहाँ पर लगाया हुआ कंपनी ने। और जो कि इसके फंडर में जगह भी काफ़ी अच्छा दिया है। इसका ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं, 380 फाइव स्टार ट्रैक्टर आइसर, जो कि इसका लुक काफ़ी बेहतरीन लुक है, वही पुराने लुक के साथ है। थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए हैं कंपनी ने, इसे 2024 में लॉन्च किया है, जो किसान भाइयों का काफ़ी पसंदीदा है ये ट्रैक्टर है। इसमें हाइलोजन बल्ब और उसी में साइड इंडिकेटर भी दिया हुआ है आगे, जिसे कि डीपर ऊपर करें काफ़ी अच्छे से। और यहाँ पे देख सकते हैं खूबसूरती से आयसर लिखा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टार का स्टिकर सब बना हुआ है, और वहीं साइलेंसर इसका है। और ये देख सकते हैं 380 और जो फाइव स्टार, और नीचे जो है बंद करने के लिए दिया हुआ है, ये इसका फुट रेस है ऊपर चढ़ने के लिए। वहीं देख सकते हैं ऊपर भी काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है, ऊपर चढ़ के देख सकते हैं आप, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और उसका सीट भी काफ़ी आरामदायक है, जो कि चलाने में कंफर्टेबल रहेगा। और जो इधर देख सकते हैं साइड में इसके बोनट पे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है बैठने उठने के लिए किसान भाइयों को। और जो कि सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स में आता है ये ट्रैक्टर, और यहीं साइड में PTO गियर लीवर दिया हुआ है इसमें, देख सकते हैं यहाँ पर जो ऊपर नीचे करेंगे तो PTO ऑपरेट होगा। और यहाँ पे गियर लीवर ये देख सकते हैं, इसका कुछ इस प्रकार से गियर दिया हुआ है, 4 फॉरवर्ड, जो कि गियर इसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स के साथ आता है ये ट्रैक्टर। और यहीं पे साइड में देख सकते हैं हाइड्रोलिक कंट्रोल दिया हुआ है, जिससे कि हाइड्रोलिक कंट्रोल 3 लीवर दिया हुआ है। और यहीं आप देख सकते हैं ऊपर इसका डिजिटल मीटर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, कुछ डिजिटल है कुछ सुई वाला एनालॉग। और इसमें जो है 50 लीटर का फ्यूल टैंक दिया हुआ है कंपनी ने यहाँ पे, जो ड्राइवर का व्यू भी काफ़ी बेहतरीन है। जो ट्रैक्टर ये अपने श्रेणी में बहुत बेहतरीन है। और ये पीछे से बात कर लेते हैं इसके, तो पीछे से आप देख सकते हैं लुक कुछ इसका इस प्रकार से, दोनों साइड का इंडिकेटर और नाइट रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। और ये इसका पटासी दिया हुआ है पीछे काफ़ी मोटा, और इसका PTO शाफ्ट जो है 540 RPM का PTO शाफ्ट है, जो इसका 33 HP PTO जनरेट करता है इसका PTO शाफ्ट। और इसका एक्सल भी काफ़ी मोटा और मजबूत दिया हुआ है, नान इसका जो है आप बोनट एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, कंपनी फिटर दिया हुआ है सेंसिंग, और वहाँ पे सिंगल दिया हुआ जनरेटर वाल्व। और इसका PTO भी काफ़ी दमदार PTO है छोटे HP ट्रैक्टर के हिसाब से। उस साइड में लोअर लिंक को एडजस्ट करने के लिए जैक वाला सिस्टम, ऊपर नीचे करने के लिए भी सिस्टम दिया हुआ है, जो कंपनी अपने किसान भाइयों का काफ़ी अच्छा ध्यान रखती है, जिससे कि किसान भाइयों की कोई नुकसानी ना हो।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक्टर का लुक, पीछे कुछ रिंग में हल्का कुछ चेंजेस किए हुए हैं।